तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज मैं आपके लिए कंपेयर करने वाला हूँ ह्यूंडई i20 और मारुति सुजुकी बलेनो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस मारुति ह्यूंडई i20 में जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है वो है एस्टा ऑप्शनल टर्बो, और बलेनो में जो है वो है अल्फा AMT। इन दोनों वेरियंट्स को आज हम कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि टॉप एंड वेरियंट्स को। स्टार्ट करते हैं गाइज हर रोज की तरह डायमेंशन से। गाइज लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो i20 का जो लेंथ है वो है 3995 mm का, और बलेनो का जो लेंथ है वो है 3990 mm का। विड्थ की बात करूं तो i20 में मिलता है 1775 mm का, और बलेनो में मिलता है 1745 mm का। हाइट की बात करूं तो i20 में मिलता है 1505 यानी कि 1505 mm का, और बलेनो में मिलता है 1500 mm का। यानी कि ओवरऑल अगर मैं डायमेंशन वाइज बोलूं तो फिर जो i20 है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू बलेनो। लेंथ में, विड्थ में, हाइट में, तीनों केसेस में i20 थोड़ा सा बड़ा है बलेनो से। तो गाइज अब डायमेंशंस का बात खत्म हो गया, अब चलते हैं सीधा इंजन की तरफ। तो गाइज इंजन का अगर मैं बात करूं तो फिर i20 में मिलता है एक 1 लीटर का 998 cc का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन, यानी कि इसमें 3 सिलेंडर मिलता है, 4 सिलेंडर नहीं मिलता है। बलेनो में मिलता है आपको 1.2 लीटर का 1197 cc का 4 सिलेंडर वाला इंजन। पावर आउटपुट की बात करूँ तो ह्यूंडई i20 में मिलता है आपको 118.36 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क। वहीं पे जो बलेनो है, बलेनो में मिलता है 88.50 bhp और 113 Nm का टॉर्क। यानी कि पावर के केस में अगेन i20 जो है आगे निकल रही है बलेनो से। बलेनो का टॉप एंड वेरिएंट में आपको 88 bhp मिलता है, लेकिन इसमें आपको 118.36 bhp जो है i20 में आपको देखने को मिलता है। गियरबॉक्स की बात करूं तो i20 में मिलता है 7-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि DCT होता है, और बलेनो में मिलता है 5-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्यूल इकोनॉमी की बात करो तो यहाँ पे पता ही है हमको कि बलेनो जीतने वाला है। तो गाइस ह्यूंडई i20 को में मिलता है 13 km/l तक का माइलेज क्लेम्ड, और बलेनो में मिलता है 19 km/l तक का माइलेज, यानी कि माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंस है। सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो सेफ्टी रेटिंग में ह्यूंडई भी इतना कुछ खास नहीं है, बलेनो भी इतना कुछ खास नहीं है। मैं बता दूँ सेफ्टी रेटिंग जो i20 को मिला है वो है 3-star रेटिंग एडल्ट के केस में भी और चाइल्ड के केस में भी, लेकिन बलेनो का अभी तक नया जो है उसका टेस्टिंग हुआ नहीं है। ग्लोबल एनकैप की तरफ से भी नहीं आया है, लैटिन का भी नहीं हुआ है, यूरो का भी नहीं हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि बलेनो अच्छा परफॉर्म करे क्रैश टेस्ट में, और उसके रिजल्ट्स का वेट जरूर करेंगे। प्राइसेस की बात करूँ तो फिर जो ह्यूंडई i20 है एस्टा ऑप्शनल टर्बो जो टॉप एंड वेरिएंट है, उसका प्राइस है 11.83 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और जो बलेनो है, बलेनो का टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है 9.83 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। यानी कि बलेनो यहाँ पे सस्ती है, हालांकि कैटेगरी दोनों का सेम ही है, सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, लेकिन बलेनो यहाँ पे अब अपने को कम दाम पे मिलेगा आपको, और वहीं पे i20 आपको महंगा मिलेगा, आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा i20 के लिए। तो गाइस यही था डिफरेंस i20 और बलेनो का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कौन सा गाड़ी आपको अच्छा लगा मेरे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, सेफ ड्राइव करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।